तो चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे Realme Pad 2 का BGMI टेस्ट एंड देखेंगे इसमें आपको कैसा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलता है। अगर आप चिपसेट की बात करते हो तो ये टैबलेट में आपको MediaTek Helio G99 का एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर दिया गया जिसमें गेमिंग काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। एंड हम ये भी देखेंगे कितने आपको ग्राफिक्स मिलते हैं और साथ ही में ये टैबलेट कितना हीट होगा अगर आप लॉन्ग टाइम तक खेलते हो, जायरोस्कोप कैसा होगा, परफॉर्मेंस आपको कैसा मिलता है बहुत ही कम टाइम में आपको पता चल जाएगा। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, जस्ट आप टैप करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमेशा की तरह गेम खेलने से पहले टैबलेट का टेम्परेचर चेक करेंगे। टॉप से स्टार्ट करते हैं। टॉप में आप देखिए 34.5 है, सेंटर में अगर आप देखोगे 33.2 है एंड अगर आप बॉटम में देखोगे 32.3 है। ये गेम खेलने से पहले का टेम्परेचर है। उसी के साथ में आप ग्राफिक्स देख लीजिए, अगर आप BGMI खेलते हो तो आपको इसमें क्या मिलते हैं। देखिए, अगर आप स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलते हो आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिलता है। जी हाँ, अगर आप बैलेंस पे स्विच करोगे सेम आपको यहाँ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट मिलेगा। बट अगर आप HD पे गेम खेलते हो जो फ्रेम रेट है वो सिर्फ आपको हाई का मिलता है और HDR का सपोर्ट तो नहीं है। देखिए, स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा पर खेलिए। और यहाँ पे गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है और मेरा जितना भी गेमिंग एक्सपीरियंस था Realme Pad 2 को लेके सारा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा गेमिंग के लिए आपके लिए पैड कैसा रहेगा। और एक चीज़ ये भी मैं आपको बोल दूँ, जितने भी टैबलेट्स होते 14,000 के अबव बहुत सारे लोग गेमिंग के लिए भी देखते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि सारी डिटेलिंग आपको बताऊँ कि कितना हीट होगा, कैसे आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा, ग्राफिक्स कैसे आपको मिलते। तो उसी के साथ में यहाँ पे ग्राफिक्स की बात करते हैं। देखिए, ग्राफिक्स आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे अगर आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे खेलते हो। आप HD पे भी खेल सकते हैं और HD की बात यहाँ पे आगे करेंगे। सो ग्राफिक्स है ना, ये आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगे Realme Pad 2 में। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं TDM से खेलता हूँ यहाँ पे गेमिंग टेस्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए क्लोज रेंज फाइट होती है, हमें पता चलेगा फ्रेम्स कितने ड्रॉप होते हैं, कितना लैग होता है और जो सेंसिटिविटी मतलब जायरोस्कोप है कैसे काम करता है, ये हमें TDM में एग्जैक्टली पता चल जाता है और फाइट ज़्यादा होती है इसीलिए मैं यहाँ पे TDM खेलता हूँ। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, देखिए एग्जैक्टली बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में बोलूँगा अच्छा आपको देखने को मिलेगा, गुड परफॉर्मेंस है। जी हाँ, ज़्यादा मुझे लैग का इशू Realme Pad 2 में नहीं देखने को मिला है, बस आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए, परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाएगा। और फ्रेम्स होते कहीं पर थोड़े बहुत ड्रॉप, बट उतने भी नहीं होते जिससे आपको ज़्यादा गेमिंग में प्रॉब्लम होगी। कहीं कहीं पर ड्रॉप्स होते बट उससे कुछ भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा गेम प्ले पर, इतना मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा। एंड मैंने HD पर भी गेम प्ले ट्राई किया, मतलब HD ग्राफिक्स पर मैंने अप्लाई करके गेम प्ले किया है, तो परफॉर्मेंस मुझे HD में भी अच्छा लगा है। बट इतना बोलूँगा उतनी स्टेबिलिटी नहीं है जितनी हम स्मूथ प्लस अल्ट्रा ग्राफिक्स पे, मतलब स्मूथ ग्राफिक्स अल्ट्रा फ्रेम रेट पे गेम प्ले कर रहे थे। तो आप HD पे भी खेलना चाहते हो तो आप BGMI गेम खेल सकते हैं। और ये जितना भी परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ ये सारी BGMI की बात कर रहा हूँ। अगर आप अदर गेम्स HD पे खेलोगे तो वहाँ पे कुछ अलग आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, हो सकता है यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल जाए। बट आप HD पे भी लगा के अगर खेलना चाहते हो तो आप HD ग्राफिक्स पे भी आराम से खेल सकते हैं। थोड़ा सा मुझे परफॉर्मेंस में इशू लगा अगर आप HD पे खेलते हो, अदरवाइज स्मूथ में तो एक्सेलेंट आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जायरोस्कोप की, कैसे आपको यहाँ पे जायरोस्कोप मिलता है, कोई डिले है या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, जायरोस्कोप प्लेयर हूँ मैं, फुल जायरोस्कोप प्लेयर हूँ और मैंने जायरोस्कोप पे बहुत सारी गेम प्ले यहाँ पे की है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कुछ भी मुझे यहाँ पे डिले देखने को नहीं मिला है जायरोस्कोप में। जायरोस्कोप बहुत ही अच्छे से काम करता है और अगर कुछ अगर आपको ज़्यादा भी लगता है फिर कम, तो आप सेंसिटिविटी के थ्रू जायरोस्कोप को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, जायरोस्कोप भी यहाँ पे अच्छे से काम करता है। और यहाँ पे जैसे मैंने HD पे डाल के खेला और ये भी मैंने चेक किया कि HD पे डालने के बाद में ये जो टैब है क्या वो ज़्यादा हीट होता है या नहीं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 30 मिनट गेम प्ले करने के बाद में आप टेम्परेचर देख लीजिए, टॉप से स्टार्ट करेंगे सेम 37.6 है, अगर आप सेंटर में देखते हो 35.2 है और अगर आप बॉटम में देखोगे 34.4 है। ये देखिए 30 मिनट के बाद का टेम्परेचर। उसके बाद में मैंने फिर कंटिन्यूसली गेम्स खेले हैं TDM ताकि और पता चले कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक खेलोगे कैसा इसमें परफॉर्मेंस मिलेगा। और मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट तक Realme Pad 2 में गेम प्ले किया। देखिए इतने टाइम तक गेम प्ले करने के बाद में परफॉर्मेंस में मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा था। और मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कैमरे में टैबलेट को होल्ड करते हुए गेम प्ले करना, क्योंकि मुझे टैब में गेम प्ले करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। सिर्फ मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि आपको इसका परफॉर्मेंस बता दूँ। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, आप टैप करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोलूँगा अगर आप लॉन्ग टाइम तक भी खेलोगे तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाएगा, ज़्यादा लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स का इशू आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। थोड़े बहुत होता है गेम का बट वो चल जाएगा, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके गेम प्ले में। और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, अगर आप नॉर्मल गेमिंग के लिए ये पैड को देखते हो तो आप आराम से नॉर्मल गेमिंग इसमें डेफिनेटली कर सकते हैं, मतलब BGMI गेम अगर आप खेलना चाहते हो तो आराम से नॉर्मल
नॉर्मल इसमें खेल सकते हैं, ज़्यादा इश्यूज आपको नहीं आएंगे, अच्छे से आपकी गेमिंग हो जाएगी और अदर गेम्स भी आप इसमें नॉर्मली अच्छे से खेल सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप लॉन्ग टाइम तक खेलोगे कितना आपको इसमें टेम्परेचर मिलता है। देखिए, एक घंटा 15 मिनट के बाद में इसका आप टेम्परेचर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप में आप देखिए 38 आपको मिलता है, अगर आप सेंटर में देखोगे 35.6 है, अगर आप बॉटम में देखोगे 34.7 है। और ये काफ़ी सिमिलर है अगर हम आधे घंटे का टेम्परेचर देखें। और मैंने यहाँ पे चेक भी किया है, अगर आप ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम तक खेलोगे तो 41 मुझे हाईएस्ट टेम्परेचर लगा है, जो कि नॉर्मल है, ज़्यादा बिल्कुल भी ये हीट नहीं होता है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा Realme Pad 2 के गेमिंग के बारे में, मतलब BGMI के गेम के बारे में कैसा इसमें परफॉर्मेंस मिलेगा। कुछ भी अगर आपको डाउट है नीचे आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको आंसर दे दूंगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, आप नॉर्मल गेमिंग ये पैड में आराम से कर सकते हैं, कोई हीटिंग का या फिर आपको लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स के ज़्यादा इशू नहीं देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, और कुछ इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.